चलो बेटा चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ। फोन रख देना आप लोग, है ना, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको शाम को अपलोड करेंगे। क्या आंसर है इसका? 44। बोर्ड मास का रूल क्या होता है? पहले ब्रैकेट्स को आप लोग सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट्स को आप बेटा पहले सोल्व कीजिएगा। ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग क्या होगा सुनिएगा, सबसे पहले 16 × 4 कितना होगा? 24। 16 में से 24 माइनस होगा, माइनस के 8 और -2 माइनस का देन, है ना, प्लस का नहीं होगा बेटा। -8 और -2 कितना होगा? -10 होगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं मल्टीप्लाई करने पे। अच्छा, -10 है और ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 14 और 10 कितना होगा? 24 होगा। 20 में से 24 क्या हो रहा है? माइनस। क्या आएगा? माइनस के फोर और माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितना आएगा? 44 आएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से पढ़े। एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष 5,640 से गिरकर इस साल हो गई 3,820, पिछले साल की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 5,640 से घटकर के 3,840 हो गया बेटा, 3,820 सॉरी। तो पिछले साल की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत की कमी हुई है? प्रतिशत कमी निकालनी है, तो प्रतिशत कमी निकालनी है, उससे पहले पता करो कमी कितने की हुई है, और कमी कितने की हुई है? 5,640 में से माइनस होगा 3,820, कितना आएगा बेटा? 1,820। और डिवाइड में ओरिजिनल वैल्यू आती है, बेस वैल्यू, जो बेस वैल्यू है वो आपकी 5,640 है, इंटू में 100। अब बेटा ये कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, इसमें कुछ समझाने बताने लायक नहीं है, फटाफट से करिएगा। ये कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी बैठे हुए हैं, तो यकीन मान के चलना एग्जाम में भी बैठे रहना पड़ेगा। इसलिए अभी से आदत डालो बड़ी बड़ी क्वेश्चन करने की, और बड़ी कैलकुलेशन तो वैसे भी है ही नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन। 182/564 × 100, 182/564 × 100। हाँ जी, किससे काटे बताइए? 4 से 4 एकम 4, 4 × 16, 4 एकम 4, बिल्कुल बेटा पॉइंट्स में आएगा, ऑप्शन पॉइंट्स में ही है। और 4 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा 25 बार, 141, ऊपर आपका 182 है, इंटू 25, तो ट्राई करिए फटाफट से। 4550, आपने इनका मल्टीप्लाई कर लिया मतलब, तो ये आ रहा है बेटा 4550 डिवाइड में 141%, ये आ रहा है 4550/141%। अब थोड़ा सा आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व करेंगे तो दो तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो बहुत डिस्टेंस पे हैं, तो आप एक बार अप्रोक्सीमेशन लगा के देखें बेटा। देखिए अगर ये 140 होता तो 14 × 3 = 42 होते, यानी कि 45 = 42 से ज़्यादा है, तो 3 से ऊपर डाटा आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? 18 नहीं हो सकता, 28 नहीं हो सकता, 24 नहीं हो सकता, 32.26, समझ में आ गया? यानी एग्जामिनर ने यहाँ तो आपकी नॉलेज चेक कर ली, और यहाँ ऑप्शंस के थ्रू आपका कॉमन सेंस चेक कर लिया कि वाकई में आप फालतू में कैलकुलेशन में लगे पड़े हैं, या कैलकुलेशन करने का मतलब ही नहीं था, तो कैलकुलेशन करने का मतलब इस क्वेश्चन में नहीं था। बात आ रही बेटा समझ? अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बताइए फटाफट से, परसेंटेज का क्वेश्चन और इजी सा क्वेश्चन है। किसी नंबर में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या की प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट से कम करना पड़ेगा? यहां पर दो दो बार इंप्रूवमेंट किया गया 30-30% का, पहले मैंने 30% बढ़ाया, फिर से मैंने 30% का इंक्रीमेंट किया, अब जो डाटा मुझे मिला है मैं रिवर्स करके वापस वही नंबर लेना चाहता हूं, कितने परसेंट की आपको कमी करनी पड़ेगी? तो एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जनरली नंबर मान लेते हैं, नंबर को मैंने क्या मान लिया? 100 मान लिया। आप मुझे बताइए स्टार्टिंग में जब मैं 30% बढ़ाऊंगा 130 होगा नहीं होगा? क्योंकि 100 का 30% 30 होता है, इंक्रीमेंट करना है, प्लस करना है, 130 आपका आ गया। अच्छा, 130 को फिर से 30% से बढ़ाना है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि 130 में 30 जोड़ दो 160 हो जाएगा, ये आपको नहीं करना है। 130 को 30% से बढ़ाना है। कैसे बढ़ाया जाएगा? 130 × 130/100, 30% से बढ़ाने का मतलब है 130 से मल्टीप्लाई करना, तो यहां पर कैंसिल होगा, 13 × 13 आएगा 169, 169 हो गया।
तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सर आपने जो नंबर 100 लिया था उसको 30-30% से बढ़ाने के बाद नंबर हो गया आपका 169। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब मुझे वापस 100 पे आना है, 169 से वापस किस पे आना है, 100 पे आना है, तो आपको कमी करनी पड़ेगी। वो यही जानना चाह रहा है कि ये जो कमी करनी पड़ेगी वो परसेंटेज में कितनी है, प्रतिशत कमी आपसे पूछ रहा है, परसेंटेज रिड्यूसमेंट। तो कमी कितने की बेटा, 69 की, किस में, 169 में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिवाइड में आप क्या लेते हो, गलती यही हो सकती है, अंतर तो 69 कोई भी ले लेगा, कुछ लोग 100 डिवाइड में कर देंगे, कुछ लोग 169 करेंगे। सॉल्व कीजिए इसको, सब लोग सॉल्व करें, 69 डिवाइड बाय 169 इंटू 100, 69 बटे 169 इंटू 100। देखिए अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ सकता है क्या, किससे कट रहा है, कट तो किसी नहीं ना, 69 आ गया भाई, 100 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 6900 आएगा, डिवाइड बाय 169%। अब बताइए, अब सुनिए, 169 को 170 मान लो, 169 को अप्रोक्सीमेशन में 170 मान सकते हैं बेटा। और यही चीज़ सीखनी है कि एग्जाम में कैसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को ना अंडर प्रेशर आपको सॉल्व करना है, वरना लोग 169 का ही भाग लगाने दिख रहेंगे। आपको पता है कि ऑप्शंस में डिस्टेंस है, तो इस चीज़ का फायदा हम लोग उठा सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 17 चौक 68, फिर एक बचेगा, 10 में तो भाग जाएगा नहीं, फिर कैसे आएगा बताइए, तो परसेंटेज को बढ़ा लो बेटा। देखो आप लोग सभी ट्राई करिए, 170 से कितना आ रहा है, ज्यादा अंतर आ रहा है, तो फिर हम लोग 169 से डिवाइड करेंगे। बयालीस आ रहे, 40 आ रहे, चेक कर लो, आपको लग रहा है 40-42 में कंफ्यूजन है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हमको एग्जैक्टली डिवाइड देना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। चालीस पॉइंट किससे, 170 से आ रहा होगा ना, तो 169 से चेक करो, 169 से आ रहा है, 40.82 के आसपास आ रहा है, देख लो बेटा आप लोग, आप डिवाइड कीजिए, क्योंकि अब ये काम आपका बचा हुआ है, मेरे बताने लगा कुछ भी है नहीं इसमें, मैं अपने तरीके से चेक कर लेता हूँ एक बार, एक सेकंड, अभी दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया बेटा आप लोगों ने, 40.82, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है, ठीक है। और 170 मान के चल रहे थे हम लोग, तो क्या मिल रहा था देखिए, 170 मैंने उसको माना था, 17 चौक 68, एक बचेगा 10 में भाग जाएगा नहीं तो 0, तब भी 40 के आसपास ही आंसर आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेशन से भी आंसर कितना आ रहा है, 40 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 40 पॉइंट समथिंग अपना ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कंसेप्ट समझ में आ गया इस क्वेश्चन का, क्या था, 30-30% से दो बार बढ़ाया गया, फिर वापस कम किया गया, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, फॉर्मुलेस लिखा हुआ है मैं इंसुलेशन के, मैराथन क्लास ली थी उसके अंदर मैंने फॉर्मुलेस पढ़ाए थे आप लोगों को, अगर याद है तो अप्लाई करिए फटाफट से, बिना फॉर्मूले के मैं इंसुलेशन कुछ भी नहीं है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक गोला है जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, आपको उसका सरफेस एरिया बताना है, किसी को याद है गोले का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², क्या होता है, 4πr², तो जो सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr² होता है बेटा। अब ये पता है तो किसी की नीड नहीं है आपको, सिवाय खुद के, यहाँ कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, 7 से 14 दो बार कैंसिल होगा बेटा, और 14 × 4 कितना होता है, 56, 22 × 44 मल्टीप्लाई कर लो, 56 × 44, 6 चौक 24, लास्ट में 4 आएगा, दो ऑप्शन में लास्ट में 4 है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, दो ऑप्शन के लास्ट में 4 आ रहा है ना, ए ऑप्शन में भी आ रहा है 4 और बी ऑप्शन में भी 4 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी, 2464 ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया, सरफेस एरिया क्या हो गया, 4πr². अगर मैं वॉल्यूम पूछ लेता आप लोगों से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उसी को नहीं है जिसको पता है कि गोले का वॉल्यूम होता क्या है, क्या होता है बेटा, 4/3πr³, 4/3πr³ होता है बेटा वॉल्यूम, 4/3πr³, और CSA या TSA जो भी है सरफेस एरिया वो होता है 4πr². मैंने आपको पहले भी सजेशन दिया था कि अगर आप एक साथ फॉर्मूले याद नहीं कर पा रहे हैं, आप डेली बेसिस पे एक किसी भी एक शेप को पकड़ लें और पूरे 24 घंटे केवल उसी शेप के फॉर्मूले याद करते रहें,
तो 6 से 7 दिन में आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आप डेली एक साथ सभी फॉर्मूलों को एक साथ याद करने बैठेंगे तो हो सकता है काफी महीने भर भी लग जाता है, फॉर्मूले याद नहीं हो पाते, और बिना फॉर्मूले के मेंसुरेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। बताइए, आसान सा क्वेश्चन है, पलक झपकते आंसर आना चाहिए। एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है, मतलब कि प्रोपोर्शनल है, एक्स जो है वाई के बेटा प्रोपोर्शनल है। वाई का मान 8 होने पर एक्स कितना आ रहा है? 10। अगर वाई बेटा आपका 8 है तो एक्स कितना आ रहा है? 10। क्वेश्चन बोल रहा है वाई का मान जब 36 हो गया तो एक्स का मान क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन, वाई का मान 8 था तो एक्स का मान 10 आया, जब वाई का मान 36 हो गया तो एक्स का मान क्या होगा? 8 को क्या कर दिया आपने? 36 कर लिया। 8 को 36 कर लिया मतलब आपने 4.5 से मल्टीप्लाई किया, 8 चौक 32, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40। तो जब आपने ऊपर 4.5 से मल्टीप्लाई किया है तो आप नीचे भी 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 को जब मैं 4.5 से मल्टीप्लाई करूंगा नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 45। तो सिंपल कंपेरिजन वाला क्वेश्चन है, रेशो वाले तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक्स अगर वाई के प्रोपोर्शनल है तो ऐसे वाले केस में अगर वाई 8 है तो एक्स 10 है, वाई अगर 36 है तो एक्स कितना आ गया? 45। 45 कोई दिक्कत बेटा इसमें? ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा अभी, ये बताइए टाइम स्पीड डिस्टेंस। सिंपल क्वेश्चन, बेसिक अप्रोच, आपको टाइम दिया जा रहा है पढ़ के समझने के लिए, आंसर देने के लिए, पढ़िएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 9, एक बस बाइक से 20% तेज गति से चल सकती है, स्पीड जो है बस की बाइक से 20% ज्यादा है, दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना शुरू करती है और एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर कोई स्थान है वहां पहुंच जाती है, यानी कि दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट कर रही हैं और पहुंच भी सेम टाइम पर रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? बस की स्पीड तो ज्यादा है, बस को पहले पहुंचना चाहिए, इसका मतलब आगे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी आपको। आगे बोल रहा है कि हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट का क्या लेती है? लेती है, तो गैप लेना पड़ेगा इसको, वरना बस पहले पहुंच जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की स्पीड ज्यादा है और किसी की स्लो है, दोनों को सेम टाइम पे पहुंचाना है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है उसे बीच में कहीं ना कहीं रेस्ट लेना पड़ेगा, तो बस ने रेस्ट लिया बेटा 10 मिनट का। तो मैं ये कह सकता हूं कि बस को 10 मिनट कम लगे, ऐसा कहा जा सकता है, बस को वहां पहुंचने में 10 मिनट कम लगे। तो टाइमिंग का डिफरेंस दिया हुआ है 10 मिनट का, समय जो होता है वो होता है दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि बस की स्पीड बाइक से कितने परसेंट ज्यादा है? 20%। 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 1/5, बस की स्पीड बाइक से ज्यादा है, इसका मतलब अगर बाइक की स्पीड 5 का मल्टीपल है तो बस की स्पीड होगी बेटा 5 और 1 6 का मल्टीपल। तो हम लोग बाइक की जो स्पीड है उसको 5 का मल्टीपल सपोज 5x मान लेते हैं, तो बेटा जो बस की स्पीड आएगी वो 6 का मल्टीपल आएगी 6x। अगर कम होती तो 5 में से 1 माइनस होता, 4x हम लोग लेके चलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है क्या? ये मैंने क्या मानी है इनकी? ये चाल मैंने मान ली, स्पीड मैंने मान ली ना। अब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। डिस्टेंस कितने किलोमीटर है? 60 किलोमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बाइक को कितना टाइम लगेगा तो आप कहेंगे 60/5x, बस को कितना टाइम लगेगा? दूरी बटे चाल, और इन दोनों के समय में जो अंतर है वो है 10 मिनट का। मिनट का है तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे दिए, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आर में है और टाइमिंग आर्स में है, दूरी किलोमीटर में है। तो ये जो 10 मिनट का डिफरेंस आया है उसको 60 से डिवाइड करके घंटे आर्स में हम लोगों ने चेंज किया है। इक्वेशन समझ में आ रही है क्या? सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताइए? 5 से 60 12 बार, 6 से 60 10 बार, एक्स आपका एलसीएम आ जाएगा, 12 में से 10 गया कितना बचा? 2। तो ये आएगा बेटा आपका 2/x, और सामने 10/60 का मतलब हो जाएगा 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 12 आ रही है। x की वैल्यू आई है 12, तो हमसे ये पूछा था कि बाइक की चाल कितनी है, बाइक की चाल कितनी मानी थी? 5x। तो अगर मैं x को 12 बोल पा रहा हूँ तो 12 पंजे 60, 60 किलोमीटर पर आर हमारा आंसर है। ये इसका बेसिक बेटा, नोट कर लेना सॉल्यूशन देखने के साथ साथ, ऐसा नहीं कि केवल देखते जा रहे हैं बस, ना सॉल्व कर रहे हैं ना नोट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं बस। 60 किलोमीटर पर आर बेटा, स्क्रीन के सामने बैठा रहना पड़ेगा, बता रहा हूँ अभी भी। कुछ लोग की आदत नहीं छोड़ रहे हैं अभी भी, बस बैठे हैं कि क्लास ले ली हमें आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, वरना वहाँ बस 60 मिनट के कब 6 मिनट बच जाएंगे पता भी नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा टाइम भागता है तेज।
अगर मैं बस की चाल पूछूं आपसे तो 12 छिंग, वेरी गुड, 72 किलोमीटर पर आवर। और अगर बस की चाल पूछेंगे तो 72, बाइक की पूछेंगे तो 60। किसी और तरीके से भी इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता था क्या? किसी और तरीके से भी इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है क्या? मुझे तो ये देखो किस तरीके से कर सकते हैं। बस की चाल बाइक की चाल से कितना परसेंट ज़्यादा है? 20% कितना होता है? 1/5। अगर मैं स्पीड के रेशो की बात करूँ, चाल का अनुपात क्या आ रहा है? आप कहेंगे सर बाइक की स्पीड अगर 5 है तो बस की कितनी है? 6। अगर मैं टाइम के रेशो की बात करूं, टाइम स्पीड का रिवर्स होता है, 6:5, तो टाइम का रेशो कितना आएगा? 6:5। आपके अकॉर्डिंग बाइक को बस से कितने मिनट ज़्यादा लग रहे हैं? क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं? 10 दिए हुए हैं। 1 की वैल्यू 10 तो 6 की वैल्यू 60, यानी कि बाइक को 60 मिनट लगेंगे। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो 60 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में अगर कोई बाइक तय करती है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। अगर आप एक्स से बचना चाहते हैं तो रेशो से आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पर इसकी समझ के लिए आपको प्रैक्टिस का लेवल उतना ही इंक्रीज करना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, ये बताइए एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज चैप्टर पढ़ाया गया, तो ऐसे मैंने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कराए, मुझे अच्छे से याद है, मुझे तो याद है। अब आप देखो, आप लोगों को याद है या नहीं, पढ़िए फटाफट से क्वेश्चन को। 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते में प्रत्येक ने 15 रुपये खर्च किए हैं। 10 में से 9 के बारे में तो साफ साफ लिखा हुआ है हर एक बंदा 15 रुपये अपने नाश्ते पर खर्च कर रहा है। 10वां बंदा क्या कर रहा है? 10वां जो व्यक्ति है सभी लोगों के औसत से 9 रुपये अधिक खर्च कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि सभी व्यक्तियों द्वारा दी गई कुल राशि कितनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, सभी व्यक्तियों का औसत एक्स मान लेता हूँ, सभी व्यक्तियों का, सभी व्यक्ति कितने? 10। सभी व्यक्तियों का जो एवरेज है वो मैंने क्या मान लिया बेटा? एक्स मान लिया ना। अब क्या कैलकुलेशन होगी समझना, 9 ने 15 रुपये खर्च किए हैं तो 15 × 9, 9 व्यक्तियों ने टोटल कितना खर्च किया होगा? 15 × 9। 10वें व्यक्ति ने एवरेज से कितने रुपये ज़्यादा? एवरेज से 9 रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं। तो एवरेज आपने एक्स माना है तो 10वें व्यक्ति का खर्चा आ गया एक्स प्लस 9। व्यक्ति कितने हो गए? 10, और एवरेज कितना है? एक्स। ये था इस क्वेश्चन का मैथमेटिकल फॉर्मेट। ध्यान देना वापस से एक बार, 15 × 9 क्यों कर रहे हैं हम लोग? 9 लोगों ने में से हर व्यक्ति ने 15 रुपये खर्च किए हैं, तो खर्चा कितना किया होगा उन्होंने? 15 × 9। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो पहले राशियों का योग ही तो पता कर रहे हैं हम लोग, तो 9 व्यक्तियों का ये टोटल आ गया। 10वें व्यक्ति ने क्या कहा कि एवरेज से जो भी सभी का एवरेज आएगा उससे 9 रुपये ज़्यादा दूंगा। तो एवरेज को मैंने एक्स माना है, तो 10वें व्यक्ति का खर्चा है आपका एक्स प्लस 9। चूंकि व्यक्ति 10 हैं तो राशियों की संख्या 10 हो गई और एवरेज में पहले से लेट कर चुका हूँ एक्स। अब मुझे बताइए क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू नहीं आ सकती क्या? बेशक आएगी बेटा, 10 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे कितना आएगा? 10x। और एक्स इधर आके माइनस का हो जाएगा, 10x में से एक्स गया 9x, सामने आपका आएगा 15 × 9, 135, 135 प्लस 9, 135 और 9 कितने होते हैं? 144 आएंगे। तो यहाँ से बेटा मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, तो 9 से कितनी बार कैंसिल होगा बताओ? 16 बार। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। ये एक्स की वैल्यू आई है, आंसर नहीं आया। एक्स था आपका एवरेज, 10 व्यक्तियों का एवरेज 16 आ गया। मैंने पूछा कि 10 व्यक्तियों ने टोटल कितना खर्चा किया, अगर 10 व्यक्तियों का एवरेज 16 है तो टोटल होगा 16 × 10, 160 रुपये। कौन सा ऑप्शन आ गया? डी आ गया। आया पैटर्न समझ नहीं आया? एवरेज चैप्टर में कर चुके हैं, याद नहीं आ रहा है तो घर जाके दोबारा पढ़ना, क्वेश्चंस देखना, और इससे भी अच्छे क्वेश्चंस किए हम लोगों ने। एवरेज एक्स मान करके प्लस करके क्वेश्चंस किए हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन तो बुक में ही है। आप देखिएगा एक बार, ये बताइए बेटा, हाँ पूरे सेशन में मैं हिंदी में कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वर्ड समझ नहीं आएगा मैं रिपीट कर दूंगा। चक्रवर्ती का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, बाकी तो आप 6 माह ये सब पता कर लेंगे। इसका मतलब होता है हाफ ईयरली, 6 माह का मतलब होता है हाफ ईयरली। और कोई वर्ड समझना है बोलना, पढ़िए फटाफट से एक बार, थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी इस क्वेश्चन में। CI जिनको निकालना आता है वो बिल्कुल कर सकते हैं क्वेश्चन को, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेटिव है। मैथ्स में काफ़ी पैटर्न बनते हैं क्वेश्चंस के, कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है, कोई कैलकुलेटिव आता है, कोई ऐसा आता है जो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो सभी चीज़ों से जूझना आपको आना चाहिए बेटा।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, 2,20,000 अमाउंट दिया हुआ है, इनको कितने परसेंट की रेट पर, 10% की रेट पर मैंने 2 साल को उधार दिया है। अब आगे बोल रहा है कि अगर मैं इस पैसे को छमाही के रूप से लूँ, छमाही मतलब अर्धवार्षिक, तो आप बताइए कितना पैसा आप लोग बचा लेंगे, कितना पैसा आप लोग बचा लेंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें दो केस बनेंगे बेटा, एक तो वार्षिक और एक अर्धवार्षिक, ईयरली और हाफ ईयरली। आपको ईयरली का ब्याज पता करना है और हाफ ईयरली का ब्याज पता करना है, दोनों का ब्याज पता करना है। ईयरली का मतलब ये होता है जो रेट है वैसी की वैसी रहेगी, जो टाइमिंग है वैसा का वैसा रहेगा। हाफ ईयरली आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, हाफ ईयरली केस में रेट हो जाती है हाफ, टाइम हो जाता है डबल, तो 10% का हाफ क्या आएगा, 5, और 2 साल का डबल कितना आएगा, 4 साल। तो पहले वाले केस में आपको 2 साल का सीआई निकालना है, 2 साल का सीआई निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है 10% के रेट पे। 2 साल का सीआई निकालना आता है, अब ये चीज़ देखो आनी चाहिए, मैं सीआई सिखाने नहीं बैठ सकता, आना चाहिए बस, मैं रिवीजन आपको करा सकता हूँ। देखो 2 साल का सीआई कैसे निकालते हैं, परसेंटेज वाला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। 2,20,000 का 10% निकालो, 2,20,000 का 10% कितना आएगा बेटा, 22,000, 10,000 कम हो जाएगी बस, 22,000। 22,000 का फिर से 10% निकालें, क्योंकि हम लोग 2 साल का सीआई निकाल रहे हैं, 2 स्टेप आएंगे यहाँ पर। 22,000 का 10% कितना आ गया, 2,200। क्लासेस में मैं आपको सिखाता हूँ कि जब भी 2 साल का सीआई निकालना हो तो 2 स्टेप सॉल्व करने के बाद पहली वाली स्टेप को 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से। 22,000 का डबल कितना आएगा, 44,000, और 2,200 × 1 कितना आ गया, 2,200। ऐड करेंगे बेटा हम लोग तो 00 तो ही, उसके अलावा 2 भी है, 4 और 2 6, ये आ गया 46,200। तो आप ये कह सकते हैं कि सर वार्षिक ईयरली बेसिस पर आपको जो 2 साल में सीआई मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, वो मिलेगा 46,200। क्या किया, परसेंटेज निकाला, पहले वाले को 2 से, बाद वाले को 1 से, 2 स्टेप है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 और 1 से, है ना। अच्छा, दूसरे वाले केस में क्या होगा, अर्धवार्षिक वाले केस में रेट कितनी हो जाएगी बेटा, हाफ, 10 का हाफ कितना होता है, 5, टाइमिंग हो जाएगा डबल, 2 का डबल कितना, 4 साल। अब आपको 5% के हिसाब से 4 साल का सीआई निकालना है। अब मुझे अगर 4 साल का सीआई निकालना है तो जो स्टेप यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर कितनी स्टेप आएंगी, 4 आएंगी, तो आपको 5% निकालना है 4 बार। तो आप मुझे बताइए 2,20,000 का 5% कितना आएगा, 10% आता है 22,000, 5% आएगा इसका आधा, 22,000 का आधा कितना आया, 11,000। 11,000 का मुझे फिर से 5% निकालना है, 11,000 का 10% आएगा 1,100, 5% आएगा आपका 550, 550 का फिर से आपको 10% निकालना है, 55, और फिर 5% निकालना है तो आधा, 55 का आधा कितना आएगा, 27.5, 27.5 का एक और बार 5% निकालना है, तो 27.5 का 10% कितना होगा, 2.75, 2.75 का मैं आधा करूँगा कितना आएगा बताइए, 2.75 का आधा, 2.75 का आधा, भैया ऐसा क्या पूछ लिया तुमसे मैंने, 2 का 2 में भाग 1 बार, पॉइंट लगेगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 1.375। बेटा देखो ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से 2 नंबर दे के या 1 नंबर दे के चला जाएगा ना, क्योंकि मैथ्स में कब कौन सा क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट कर जाए, आप उस चीज़ के लिए रेडी रहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आसान क्वेश्चंस को जितना जल्दी कर लोगे ना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए उतना टाइम बचेगा, और जो लोग इजी क्वेश्चंस को भी आराम से 2-2 मिनट में कर रहे होंगे वो उसको स्किप कर देंगे, उनके पास टाइम होगा ही नहीं, और जिन बच्चों के पास टाइम होगा उन क्वेश्चन करने के लिए सिलेक्शन के चांसेस भी उन्हीं के रहेंगे। जैसे 2 साल में आपने 2 स्टेप की थी, 4 साल में कितनी स्टेप हो गई, 4, 2 साल वाले में मल्टीप्लाई किससे किया, 2 और 1 से। 4 साल वाले में डाटा बता देता हूँ, 4 6 4 1, याद होगा जो लोग क्लासेस मुझसे ले चुके हैं। 4 साल वाले केस में 4 6 4 1, 3 साल वाले केस में क्या होता है, 3 स्टेप आती हैं, क्या पढ़ाया मैंने, 3 3 1, 4 साल वाले केस में 4 से 4 1, 3 साल वाले केस में 3 3 1, 2 साल वाले केस में 2 और 1, 5 साल वाले केस में 5 10 10 5 1। 5 साल तक के लिए डाटा आपको बताया होगा क्लासेस के अंदर, आगे सुनिएगा, ये मल्टीप्लाई करके जोड़ के बता दो फटाफट से, बैठे मत रहो भाई, मल्टीप्लाई करिए जोड़िए बताइए फटाफट से कितना आ रहा है। कुछ क्वेश्चन होते हैं टाइम टेकिंग, तो टाइम लेंगे, आप इसको इफेक्टिव रेट से भी करोगे ना तो भी उतना ही टाइम लगेगा, तो भी ऐसा नहीं है कि टाइम कम लगे, इफेक्टिव रेट से भी उतना ही टाइम लगना है।
बताइए बेटा। बेटा 11,000 इंटू चार तो 44,000 तो वैसे ही हो गए है ना, ये तो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। 550 इंटू छः कितना होगा? 3300 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 44,000 3300 हो गया, 27.5 इंटू चार 110 आ रहा होगा, 108 और दो 110 ठीक है, और 1.375 का तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, जोड़िए कितना आ रहा है सबको, 47,411.375। इन दोनों में अंतर ले लो, वही तो पूछ रहे कि कितना फायदा हुआ, तो इन दोनों में अंतर ले लें। इन दोनों जब मैं अंतर लूंगा तो 47 में से 40 गया, 12 और 4 में से 2 गया 2, तो 1211 वाला कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, ये अपना आंसर आ गया। आया कुछ समझ? तो इस पूरे सेशन में ना इससे लेंथी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, आगे भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, आसान क्वेश्चंस हैं। अब 20 आ रहे हैं तो बेटा 20 में से कम 2-3 क्वेश्चन के लिए तो रेडी रहना पड़ेगा, कब आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो समझ में आया क्या? 2 साल के लिए सीआई निकालोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 और 1 से। 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बताओ इजी वेट का पेपर है बहुत ज़्यादा, जीडी का अभी भी आएगा वापस से, तो मुझे लगता नहीं है कि जीडी के अंदर आपको दिक्कत आएंगी किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चंस करने में भी परेशानी हो रही है, तो बहुत भारी दिक्कत है भाई। हाँ, एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो वेट है प्रोपोर्शनल है आयतन यानी कि वॉल्यूम के। जिसका भार 12 केजी है उसका आयतन 3 लीटर है, वेट अगर 12 है तो वॉल्यूम कितना है बेटा? 3 लीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम अगर 4 लीटर है तो वेट कितना होगा, नहीं पता कर सकते क्या? अभी भी कहा था कि ऐसा और क्वेश्चन आने वाला है। तो जब 3 की वैल्यू 12 है मतलब कि 4 गुना वैल्यू है, तो 4 की भी 4 गुना वैल्यू की कितना आएगा? 16 केजी आएगा। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए वैसे ना। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, जो क्वेश्चन ईजी है वो सबके लिए ईजी है ध्यान रखना, पर जो टफ है वो सबके लिए टफ नहीं है, वो टफ उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी नहीं की। पढ़िए, एक वस्तु 20% की छूट देने के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है, विक्रय मूल्य को 216 लेके आना है, कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ेगा? मतलब कि MRP 300 दिया हुआ है, MRP आपको 300 दिया हुआ है, अब दुकानदार बोल रहा है कि मैं इस पर डिस्काउंट दे सकता हूँ 20% का, तो 20 का डिस्काउंट तो हम उससे लेंगे, 300 के ऊपर 20 का डिस्काउंट देंगे तो आर्टिकल कितने का हो गया? 300 × 80/100, ये हो जाएगा 240 का। कैसे भी कर ले आप लोग, या तो 300 का 20% निकाले 60 आएगा, 300 में से 60 माइनस होगा 240, किसी भी तरीके से आप 240 तक पहुंच सकते हैं। अब शॉपकीपर जो है केवल 240 पर रुकना नहीं चाहता, उसको जाना है 216 पर, यानी कि एक डिस्काउंट और देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए 240 को 216 करना है, डिस्काउंट कितने का देना पड़ा? 24 का। 240 को अगर 216 करना है, डिस्काउंट कितने का देना पड़ा? 24 का। किसके ऊपर? 240 पर इंटू में कितना? 100। सॉल्व करेंगे बेटा कितना परसेंट आएगा? 10%। तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले आपने 20 का डिस्काउंट दिया, 240 पे आ गए, अब 216 पे जाना है तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। नेक्स्ट देखिएगा, बताओ बेटा फॉर्मूला बेस्ड, प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 14। मैनेजमेंट की क्लास में स्टार्टिंग में आपको सारे फॉर्मूले लिखाए गए थे, उनमें से एक फॉर्मूला इसके ऊपर भी बेस्ड था। किसी क्यूब के सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई है √433। अगर किसी क्यूब की साइड मान लीजिए एक्स है, तो सबसे बड़ा जो विकर्ण होता है किसी भी घन में उसकी लंबाई होती है √3x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 432 है रूट के अंदर, तो √3x कितना आया का? 432 आ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि सर दोनों तरफ से रूट हट जाए तो स्क्वायर कर लें, स्क्वायर कर लेते हैं, √3 का स्क्वायर 3, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बचेगा 432, 432 3 से कैंसिल होगा 144 बार, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12, एक्स की वैल्यू 12 आ गई। मैंने क्या पूछा आपसे? वॉल्यूम आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, 12 का क्यूब तो रटा हुआ होगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपना आंसर है भाई। अब कहाँ से एडवांस मैथ का क्वेश्चन होगा आप खुद देखिए। अब √3x भी अगर याद नहीं रख पा रहे फिर भाई
काम नहीं चलेगा बेटा ऐसे, फटाफट से आंसर दीजिएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस का सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन भी आसान था, ये क्वेश्चन भी आसान है। 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं जिनकी स्पीड आपको पता है, आपसे पूछ रहा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। एक ट्रेन की लंबाई है 140 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई है 160 मीटर, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। स्पीड इन दोनों की है 40 किलोमीटर पर आर और 50 किलोमीटर पर आर, ये आपको स्पीड दी गई है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, क्या होता है समय बेटा, दूरी बटे चाल। तो जब भी कोई दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है और एक दूसरे को क्रॉस करना चाह रही है तो दूरी आएगी दोनों ट्रेनों की लंबाइयों के योग के बराबर। तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग कितना है, 140 और 160 कितना आ गया 300। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, 300 तो दूरी हो गई, चाल क्या आएगी प्लस होगी माइनस होगी। अपोजिट डायरेक्शन में चाल हमेशा क्या होती है प्लस, सेम डायरेक्शन में चाल हमेशा क्या होती है माइनस। तो चाल अगर हम लोग प्लस करेंगे तो यह आएगा बेटा 90, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा बताइए, 18 से 90 पाँच बार 12 सेकंड, तो 300 बटे 25 कितना होता है आपका 12 सेकंड है, 12 सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, आया समझ। तो कोई भी दो ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, आमने सामने आ रही है, या ट्रेन से मतलब नहीं है कोई दो व्यक्ति भी आमने सामने आ रहे हैं तो चालें प्लस होती है बेटा, और सेम डायरेक्शन में चालें क्या होती है माइनस। 5/18 मैंने क्यों लिखा हुआ है, किलोमीटर पर आ रहे हैं मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 16, फटाफट से बताएं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, चार पांच क्वेश्चन हैं, पांच मिनट के भी क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं। टाइम नंबर सेकंड क्वेश्चन आ गया, एक अभी हमने किया था, एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बीयूसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ काम करते हैं तो इन दोनों को काम करने में कितना समय लगेगा। इससे आसान क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में नहीं आ सकता, कुछ दिख रहा है क्या बेटा बोर्ड पे पढ़ा हुआ है चैप्टर, इससे बात कर रहा हूँ मैं, पढ़ा हुआ है, कौन कौन से चैप्टर हो गए आपके, मैं ये तो पूछ रहा हूँ ये चैप्टर पढ़ा हुआ है क्या, टाइम डबल की तो है ऑप्शन ही नहीं है क्या, कैसी बात कर रहे हो, 25 दिन और 20 दिन, 25 और 20 45, 25 दूनी 50 500, 100 बटे 9 आएगा ना, तो 11 सही 1/9 दिन आएगा। चलो कोई बात नहीं, 11 सही 1/9 तो ऑप्शंस में ही नहीं है, आंसर ये आएगा, टाइपिंग करने में एरर हो गई होगी, 11 सही 1/9 अपना आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 17 बताइए, फटाफट से पढ़ो बड़ा, एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफियों, इसमें कंप्लीट कर लेना, 11 टॉफियों के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होता है एसपी के बराबर का लाभ अर्जित करता है, 11 टॉफियों के विक्रय मूल्य के बराबर का प्रॉफिट उसे मिल रहा है, तो आपसे बोल रहा है कि लाभ का परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है ये बताना है बेटा। पढ़ लो क्वेश्चन को अच्छे से, ग्यारह टॉफियों को आपने बेचा है, सॉरी 55 को बेचा है, 11 के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, 11 के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का परसेंटेज देखिए, प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको इक्वेशन से बना करके सिखाया है जिससे कि आप लोग गलती ना करें, बाकी आप देखते भी आंसर दे सकते हैं पर वो चीज़ें एग्जाम में काफ़ी यार याद नहीं रह पाती है ना, तो मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ कि बिना देखे कैसे करना है, बिना इक्वेशन बनाए कैसे करना है और इक्वेशन बना के कैसे होगा। प्रॉफिट हो रहा है किसी क्वेश्चन में तो प्रॉफिट का मतलब एस पी माइनस सी पी, 55 टॉफियों को बेचा है तो 55 एस पी माइनस 55 सी पी, अगर 40 टॉफियों को बेचेंगे तो 40 एस पी माइनस 40 सी पी, तो एस पी माइनस सी पी इसलिए आया है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, अगर बेटा लॉस होता तो मैं लिखता है इसको सी पी माइनस एस पी, ये बात आपको पता है बेसिक सी बात है। अच्छा कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है 11 टॉफियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी इक्वल में आ जाएगा आपका 11 एस पी, तो एग्जाम में आपको खुद बताएगा कि प्रॉफिट या लॉस किसके इक्वल हो रहा है,
11 टॉफियों के एसपी के बराबर हो रहा है तो 11 एसपी आएगा, 11 टॉफियों के सीपी के बराबर हो रहा है तो 11 सीपी आएगा। एसपी को एक तरफ ले लें, 55 में से 11 गया, 44 एसपी इज इक्वल टू 55 सीपी। जब भी दो डाटा बेटा बराबर में हो और आप उनका आपस में रेशो लेना चाहते हैं तो डाटा क्या हो जाता है, इंटरचेंज। एसपी के सामने तो आ जाएगा 55 और सीपी के सामने कितना आएगा बेटा 44। 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44 और 11 पंजे 55 कितना आ गया आपका 4/5। क्या मतलब है 4/5 का, 4 में खरीदा और 5 में बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, किसके ऊपर 4 के ऊपर। तो परसेंटेज प्रॉफिट 1 का प्रॉफिट 4 पर इंटू 100 कितना परसेंट आ गया बेटा 25, तो 25% प्रॉफिट ऑप्शन नंबर बी। आया समझ क्या, एस पी माइनस सी पी क्यों ले रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस होगा तो सी पी माइनस एस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18, 19, 20 तीन क्वेश्चन बचे होंगे, फटाफट से करिएगा, पढ़ो एक बार। अरुण ने संचित से 112,500 में लैपटॉप खरीदा भाई। संचित ने लैपटॉप पर 25% का प्रॉफिट कमाया है, रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था, तो रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा। देखिए लैपटॉप कहां से कहां जा रहा है, पहले ये सुनो, रमन ने किसको दिया, संचित को, और अरुण ने किससे लिया, संचित से, यानी कि संचित ने किसको दिया, अरुण को दिया। अरुण की तो मुझे कीमत पता है 112,500, मैं जानना चाहता हूं कि रमन की कीमत क्या है, तो रमन की कीमत मैंने क्या मान ली, एक्स मान ली, आपको दिक्कत ही नहीं है, रमन को हमने एक्स मान लिया। रमन ने संचित को कितने परसेंट पर, 20% के प्रॉफिट पे, क्या होता है बेटा 20 होता है आपका 1/5, प्रॉफिट है तो 5 और 1 6, तो मल्टीप्लाई होगा आपका 6/5 से। आगे संचित ने क्या किया, संचित ने 25% के लाभ पर अरुण को बेचा है, 25 कितना होता है 1/4, प्रॉफिट है तो 4 और 1 5/4, अरुण को बेचा है तो सामने आ गया अरुण 112,500। सॉल्व करके मुझे एक्स की वैल्यू बताइए, कितनी आसान सी कैलकुलेशन है, 5 से 5 तो बेटा वैसी काटा पीटी हो गई, अब बचा 6/4, 2 से 3 बार 2 से 2 बार, तो यह आएगा आपका 3x/2 इज इक्वल्स टू 112,500। ये डाटा आ रहा है बेटा, 3 से काट लो उसको, बिल्कुल सही बात है बेटा, 3 से काटेगा तो 3 से कितनी बार 3 3 9 2 बचेगा 3 7 21 3 5 15 ये आ गया 37,500। 37,500 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा, ऑप्शन नंबर है। बात समझ आ रही थी ना, रमन से संचित, संचित से अरुण, तो रमन के बारे में पूछा गया है, अरुण के बारे में पता है, स्टार्टिंग वाले को एक्स मान के चलेंगे हम लोग, तो स्टार्टिंग वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, बराबर में आएगा फाइनल वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 19, ये बताइएगा, आसान सा क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जो भी करना है करके फटाफट से आंसर बताओ, पहले तो क्वेश्चन का सेंस समझ लो। एक दुकानदार 80 रुपये पर केजी और 95 रुपये पर केजी वाले दो प्रकार के मटेरियल हैं, उनको किस रेशो में मिला रहे हैं, 2:3 के रेशो में मिलाया जा रहा है, फिर आपसे पूछा गया मिक्सर का एवरेज मूल्य क्या होगा, मिक्सर का औसत मूल्य क्या होगा, फटाफट से बताओ बेटा, मिक्सर का, पूरे मिक्सर का औसत मूल्य कितना है, जल्दी बताइएगा। ₹80 पर केजी और ₹95 पर केजी की दो प्रकार के डाटा को आपस में मिलाया गया 2:3 में, अब बोला जा रहा है कि मिक्सर का औसत मूल्य बताइए, एवरेज मूल्य क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, 80 और 95 रेट ही तो है, किस रेशो में मिलाया गया 2:3 में, तो 80 वाले का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद 95 वाले का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में अनुपातों का योग 5, 2+3 कितना होता है 5, टोटल जो मिक्सर है वो 5 का है, 80 का डबल कितना हुआ 160, 95 × 3 कितना होगा 5 3 15, 5 8 1 9 3 27 और 1 28, डिवाइड में 5, ये ऐड कीजिएगा 5 8 6 14 4 1 2 1 3 और 1 4, डिवाइड में 5, 5 से काटी बेटा, ऑप्शन नंबर डी। तो मिक्सर का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा 89 रुपीज़ पर केजी। आ रहा समझ में क्या, अभी क्वांटिटी 2 है, क्वांटिटी 3 भी हो सकती है, तीनों को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देना, बटे में 5 क्यों किया था मैंने,
अनुपातों का योग, ठीक है बेटा। ये 19 था, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। ये भी सीआई का क्वेश्चन है, इसमें दोनों साल के लिए रेट अलग अलग दी हुई है। पहले साल के लिए रेट आपको दी हुई है 10%, सेकेंड ईयर के लिए रेट दी हुई है 12%। तो आपको मैंने सीआई चैप्टर में अलग अलग रेट वाले क्वेश्चन भी कराए कि रेट अगर अलग अलग होगी तो आप किस तरीके से सीआई कैलकुलेट कर सकते हैं, बताइएगा। प्रिंसिपल कितना है? 10,500। अमाउंट पूछा गया है तो फ्रैक्शन से करना चाहे फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, और बेसिक मेथड से करना चाहे बेसिक मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं। बेसिक मेथड ये है कि प्रिंसिपल जो है 10,500, इसके दो हिस्से कर लीजिए, फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए। दो साल का ही तो निकालना है। फर्स्ट ईयर के लिए रेट कितनी है बेटा? 10%। सेकेंड ईयर के लिए रेट कितनी है? 12%। 10,500 का 10% कितना आएगा? 1,050। 10,500 का 12% कितना आएगा ये बताओ? 12×5=60, 12×1=12,260 आएगा बेटा। 12% कितना आएगा आपका? 1260। अब आपको बताइए कि सीआई के अंदर ब्याज पे ब्याज लगता है, तो फर्स्ट ईयर के ऊपर जो ब्याज लगेगा वो सेकंड ईयर में ऐड होगा, और जब भी हम लोग ब्याज को अगले वर्ष में ऐड करते हैं हमेशा तो रेट भी अगले वर्ष की काम में लेते हैं। फर्स्ट ईयर को ऐड होगा सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर की रेट काम में आएगी। सेकंड ईयर की रेट कितनी है? 12%। तो आप 1,050 का 12% निकालें, कितना आएगा? 126 आ जाएगा, 126 इसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितना ब्याज मिला? सीआई कितना मिला? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। तो आप इन सबको आपस में जोड़ेंगे बेटा, 1,050 प्लस 1,260 प्लस 126। तो मुझे जोड़ के बताइए सीआई कितना आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, केवल सीआई कितना आ रहा है? तीनों को आपस में ऐड करें फटाफट से और सीआई बता दो। 1,050, 1,260, 126, जोड़ने पे कितना आ रहा है? 2,436। ये सीआई आ गया। इसको 10,500 में ऐड कर दूं, क्योंकि इसने पूछा अमाउंट कितना है। 10,500 में ऐड कर दीजिए 2,436 को, 12,936। सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। तो एक तरीका तो बेटा ये है कि दो साल का पहले आपने सीआई निकाला, उसको प्रिंसिपल में ऐड किया, तब जाके आया। कुछ लोग इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे देखो, 10,500 प्रिंसिपल है, आपको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 10,500 इंटू पहले साल रेट 10% थी, 110/100, अगले साल रेट 12% है, 112/100। बस ये कैलकुलेशन कर लीजिए, इससे भी डायरेक्टली 12,936 आ जाएगा। तो सारे कंसेप्ट हैं, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट शिफ्ट बेटा, थर्ड शिफ्ट नेक्स्ट सेशन में आपको कराई जाएगी, और इसी तरीके से जीडी में जितने पेपर्स आए हैं आपके, जीडी का जो मेन एग्जाम होगा उससे पहले सभी शिफ्ट में हर सब्जेक्ट का एनालिसिस आपको मिल चुका होगा।